पापा, आज आप जल्दी घर आ गए। उस बैग में क्या है? आप हमारे लिए क्या लाए हैं? सब्र सब्र शाइनी, आओ आराम से देखो। आइसक्रीम। चलो अब इन्हें खाते हैं, ये तो पहले ही आधी पिघल गई है। वाह पापा, चॉकलेट कोन मेरा फेवरेट। क्या हुआ साशा, क्या तुम्हें ये आइसक्रीम पसंद नहीं? नहीं, पर क्यों? पिछले हफ्ते तो तुम्हें अच्छी लगी थी ना जब पापा लाए थे। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं, वैसे इससे मुझे कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी पापा? आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था जो सभी जानवरों का राजा था। वो बहुत ही सख्त राजा था, सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। एक बूढ़ा लोमड़ उसका बहुत ही भरोसेमंद मंत्री था। एक दिन शेर राजा बहुत ही खुश था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है ना? जी महाराज। क्या आज कोई खास बात है महाराज? क्या आज कोई अच्छी खबर मिलने वाली है? मेरे जासूसों ने खबर दी है कि जो भेड़िए जंगल में आतंक फैला रहे थे अब यहाँ से दूर चले गए हैं। अब हमारे जंगल में फिर से शांति आ गई है। अब तुम सभी जानवर बिना किसी डर के घूम सकते हो। ये तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। ये सब आपकी कृपा से हुआ है महाराज। आपने उनका सामना बड़ी बहादुरी से किया था। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब तो जश्न का वक्त है। जी महाराज। लंगूर, मेरा आज जश्न मनाने का मन है। जाओ मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लेकर आओ। जी महाराज। क्या इसमें कोई परेशानी है लंगूर? सर, आप तो मेरी हालत समझ ही सकते हैं। महाराज ने मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लाने के लिए कहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना कौन सा है? मैं समझ गया। ठीक है, तुम ऐसा करो। तो तुम आ ही गए लंगूर, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लाए हो? जी महाराज, ये लीजिए। ये सब क्या है? अंगूर? तुम्हें लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है? जी महाराज, एक बार चक्कर देखिए, दुनिया के सबसे मीठे अंगूर हैं। अगर तुम कहते हो तो वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। दुनिया के सबसे मीठे अंगूर, ये पूरी प्लेट मुझे दे दो और बाकी मंत्रियों को भी ला कर दो। क्या हुआ महाराज, क्या किसी तरह की परेशानी है? मैं उनके बाल लोच लूंगा, मैं उनकी खाल उतार लूंगा, मैं उनके पेट में अपना पंजा डालकर उन्हें चीर दूंगा। क्या हुआ महाराज? वही पुराने भेड़िए, वो वापस आ गए हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, हम उन्हें एक बार भगा चुके हैं, हम उन्हें फिर से भगा देंगे। लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में हूँ लंगूर। जी महाराज। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ
कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। जाओ और मेरे लिए दुनिया का सबसे खराब खाना लेकर आओ। जी महाराज। अब आप ही बताइए सर, अब मैं दुनिया का सबसे खराब खाना कहाँ से लाऊं? ओह, ये तो बहुत ही आसान है। ऐसा करो, तो तुम आ ही गए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे खराब खाना लेकर आए होगे, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, नहीं तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। जी महाराज, ये लीजिए। क्या क्या तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? फिर से अंगूर? लेकिन महाराज, ये दुनिया का सबसे खराब खाना है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा खट्टे अंगूर है। प्लीज चक्कर तो देख लीजिए। ओह, ये तो सच में बहुत ही खराब है। दुनिया में इससे खट्टा कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, तुमने सही कहा, ये सबसे बुरा खाना है। जितने भी लोग यहाँ आए, ये उन सबको खिलाओ। मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया सर। अरे कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर, मैंने दोनों बार एक ही जगह के अंगूर महाराज को खिलाए। उस दिन ये इतने मीठे क्यों लग रहे थे और आज ये इतने खट्टे क्यों लगे? क्या अंगूरों को कुछ हो गया है? अंगूरों को कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्त। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंगूरों में कोई खराबी नहीं है, वो पहले जैसे ही हैं, लेकिन शेर का मूड अलग है। उस दिन वो बहुत खुश था और इसीलिए हर चीज में खुशी और मिठास महसूस कर रहा था। आज वो बहुत गुस्से में है तो उन्हें हर चीज खट्टी लग रही है। बस इतनी सी ही बात है। तो बस ये इतनी सी ही बात है साशा, क्या तुम्हारा मूड अभी भी खराब है? नहीं, अब मैं खुश हूँ। तो चलो अपनी आइसक्रीम खा लो, मुझे यकीन है कि अब ये तुम्हें मीठी लगेगी। ये मीठी है पापा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।